तो फाइनली जिसका था हमें इंतज़ार वो लम्हा आ चुका है। तो खैर मोबाइल में यार ले आया हूँ और आज करेंगे उसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। मतलब फीचर्स ऑलरेडी मैं सबको बता चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद फिर भी हम लोग इसको देखेंगे कि इन्फिनिक्स नोट 30 मतलब 30 प्रो जो है वो तो आसमानों को छू रहा है। जो 30 है इसकी प्राइस टैग में आपको बताऊंगा मार्केट से मैंने कितने का लिया और प्रो की प्राइस ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, वो भी 85 प्लस ही मार्केट में भी आपको मिल रही है और जो किट्स हैं वो सस्ती मिल रही हैं लेकिन मार्केट में अभी डगमगा ही रही है। खैर ज़्यादा बात नहीं करते, इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले नोट 30 की यहाँ पे ब्रांडिंग है साउंड बाय JBL 256GB x 8GB दूसरी है वो एक्सटेंडेड रैम है। 45 का फास्ट चार्जर इसके साथ दिया गया है जो कि प्रो में है, वो आपको 65 वॉट का चार्जर दिया जाता है और साथ में वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। साथ में अगर साइड पर देखें तो नोट 30 की ब्रांडिंग बैक साइड पे इसका फिर से वही सब कुछ 6.78 इंचेस की फुल एचडी के अलावा यहाँ पे डिवाइस वेरिफिकेशन कुछ आ रहे हैं। नीचे अगर देखें तो यहाँ पे डिवाइस का कलर वगैरह आ रहा है जो कि यहाँ पे सनसेट गोल्ड है और इन्फिनिक्स यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। तो लेट्स ओपन दिस एंड देखते हैं कि मतलब ये जो कलर है ना यार, कलर काफ़ी इसका सुनने में आया कि अच्छा वाला है, लेकिन इसमें तीन कलर हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है और एक ये ऑरेंज कलर का ऑरेंज टाइप का कलर है। लेट्स सी मतलब कि ज़रा एहतियात से यार, ताकि मतलब कि यार मैं ये फर्स्ट वाली अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ अपने पैसों की ख़रीद के मोबाइल कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप जब अपने पैसों का ख़रीद के चीज़ कोई करते हो ना तो आपको उस चीज़ की कदर उसकी वैल्यू पता होती है, क्योंकि अभी मेरा कोई भी स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, दैट्स द रीज़न। तो अब यहाँ पे हमने साइड पर रख दिया और एक और बॉक्स के अंदर से एक बॉक्स निकला, क्योंकि नोट्स 30 प्रो का जो है उसके अलावा एक और भी यहाँ पे हल्का सा वो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि उसके अंदर वायरलेस चार्जर भी होता है। तो इसको ओपन करते हैं अभी। तो ये रहा हमारा बॉक्स और ये हमारी डिवाइस। कलर की बात करें तो यहाँ पे जो फिनिशिंग है इसकी काफ़ी अच्छी है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके अलावा अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे केस आ रहा है, सिलिकॉन केस है और साथ में इन्होंने प्रोटेक्टर भी दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। ये तो खैर मैं खुद नहीं लगाने वाला क्योंकि मिस्टेक्स हो जाती हैं और ये ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे हमें चार्जर दिया गया है 45 वॉट्स ऊपर लिखा हुआ है और साथ में डेटा केबल दी गई है इन्फिनिक्स ब्रांडिंग की। उसके अलावा यहाँ पे सिम इजेक्टर पिन जो है वो दी गई है और ये बॉक्स जो है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको साइड पर कर देते हैं। और ये कुछ वारंटी वगैरह जो इनकी होती है वो होती है। केस की बात करें तो यहाँ पे हमें सिलिकॉन केस दिया गया जो कि इसके हिसाब से अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है ये बिल्कुल पीला पीला सा पड़ जाता है और ख़राब सा हो जाता है। खैर अभी हम लोग मोबाइल को देखते हैं, ये कुछ हमारी एसेसरी थी। अब मोबाइल को ऑन करने से पहले इसकी फ़ीचर्स देख लेते हैं यार कि फ़ीचर्स क्या हैं। ये फ़ीचर तो खैर आपको पता ही होंगे, इन्फिनिक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग आ रही है। बैक पे अगर बात करें तो यार एक क्लासिक किस्म की यहाँ पे लुक आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे लेदर की फिनिशिंग है। स्लिम मोबाइल लग रहा है और काफ़ी ही एक बेस्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक इनकी कह सकते हैं कि JBL के जो स्पीकर हैं ये ऊपर वाली साइड दी गई हैं जो कि इन्फिनिक्स नोट 30 है, इन्फिनिक्स नोट 11 है जो कि ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके स्पीकर जो हैं वो आगे वाली साइड हैं जो कि आप गेमिंग करते हो और काफ़ी अच्छा है। खैर इसको ऑन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट लुक ऑफ आवर मोबाइल और दिखने में अगर पहले मोबाइल की बात करें बैक से काफ़ी अच्छा एक प्रीमियम डिज़ाइन आपको लग रहा है और ऊपर से देखो तो या एक मेटल टाइप आपको दे रहा है लुक और स्लिम सा आ रहा है, काफ़ी बेस्ट एक लुक आपको दे रहा है। उसके अलावा ओवरऑल यहाँ पे सेटिंग में जाके हम लोग इसकी सिस्टम्स वगैरह देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। जैसे इसकी सेटिंग्स आ रही हैं, एंड्रॉयड 13 है, CPU जो है इसका G99 है, फ्रंट कैमरा 16 और 64 MP का ट्रिपल सेटअप जो इसका बैक का कैमरा वो है, 256 GB इसकी रोम है, 8 GB इसकी रैम है प्लस 8 GB एक्सटेंडेबल जो रैम है इसकी, 5000 mAh बैटरी है और स्क्रीन जो है वो फुल HD में आ रही है। बाकी ओवरऑल जो आपने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सा लेट हूँ और इससे पहले भी
बहुत से लोगों ने रिव्यू कर लिया होगा, आपने वो देख लिया होगा। अगर इसकी अनबॉक्सिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा, लेकिन इसके एड्स जो हैं थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि एड्स इसके आते रहेंगे, जो कि नोट सीरीज़ में इन्फिनिक्स के जितने भी मोबाइल्स हैं उसमें एड्स का थोड़ा इशू रहा है। इसमें प्री बिल्ड जो एप्लीकेशन हैं कुछ ऑलरेडी दी गई, जिस तरह फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम मैसेंजर वगैरह ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड हैं। और इसमें एक और चीज़ बड़े मज़े की है जो कि क्लोन वाली है, आई थिंक सो यहाँ पे क्लोन अवेलेबल होगा, मोबाइल क्लोन। अब जो मेरा दूसरा मोबाइल है उससे डायरेक्टली यहाँ पे मैंने एग्री करके अपने जो क्लोन से सारी चीज़ें इसमें ट्रांसफ़र कर लेनी है, जो कि अच्छी बात है। आगे आने वाली वीडियोज़ में इसको मैं टेस्ट आउट करूँगा और फिर आपको इसकी डिटेल वीडियो जो है वो मैं दूँगा कि आया ये कैसा यूज़र, मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरा यूज़ करने का, इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं आ रहा। तो ये हमारी आज की अनबॉक्सिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्ड रिव्यू करने वाले हैं, जो कि इसको बिल्कुल मतलब कि फ्री होके इजी होके सेट इसको करूँगा और अपने मुताबिक इसको यूज़ करूँगा। देन पता चलेगा कि इसकी यूजेज क्या है और कितना स्ट्रॉन्ग ये है, गेम्स भी देखेंगे इसमें, और मतलब कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मज़ीद इसको टेस्ट आउट करने वाले हैं। चाहे गेम्स को, चाहे प्रोसेसर इसका चेक करने के लिए हम लोग वीडियो बनाए, या फिर कैमरा और ये सारी चीज़ें, एक बार डिटेल्ड इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूँ। और होप सो कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा इसमें शशके वाले तो वीडियो नहीं थे, जस्ट अनबॉक्सिंग है। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इसका कि क्या है, क्योंकि अभी इसको मैंने टेस्ट भी करना है और बहुत सी चीज़ें इसमें और भी करनी है। तो यार फर्स्ट मेरी अनबॉक्सिंग लाइक मोबाइल की थी और अपने खर्चे से की है, क्योंकि यार मेरा कोई स्पॉन्सर वगैरह तो है नहीं है। आने वाली इंशाल्लाह वीडियोस में ज़रूर होगा, क्योंकि अभी ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब नेक्स्ट मैं हायर लेवल पे इंशाल्लाह जाऊँगा, जो कि जाऊँगा, तो मैं ये चीज़ भी देखूँगा कि यार वाकई मैंने भी कहाँ से शुरू किया था और अब मैं किस लेवल पर आ चुका हूँ। खैर आपकी सपोर्ट चाहिए, इससे पहले कभी मैंने सब्सक्राइब का अपनी वीडियोज़ में कहा नहीं, खैर आज कह देता हूँ। अभी तक यहाँ तक जो भी पहुँचा है उसी कह रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुँचते हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, और आने वाली न्यू वीडियो में न्यू मॉडल्स और जो कि लॉन्च होने वाले उस पर भी डिस्कस करेंगे, और ये बहुत सी मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।